एनपीआर में क्या है कॉलम डी, जिस पर अमित शाह ने दिया किसी पर ना लगाने का भरोसा। सांसद के दोनों सदनों में हुई दिल्ली हिंसा पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन एक्ट और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पर भी लोगों की शंकाओं को दूर किया। विपक्षी पार्टी और कई अन्यों की ओर से सवाल किया जा रहा था कि एनपीआर की प्रक्रिया में कागजों की लिस्ट मांगी जाएगी और अगर कागज नहीं दिखाए गए तो उसे शंका की नज़र से देखा जाएगा, लेकिन अमित शाह ने इन शंकाओं को दूर किया और समझाया कि किसी भी नागरिक के सामने डी नहीं लगाया जाएगा। एनपीआर की प्रक्रिया में ये कब होता है और क्या है समझिए कैसी होगी एनपीआर की प्रक्रिया। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने एनपीआर की लिस्ट को अपडेट करने की मंजूरी दी थी। एनपीआर को सबसे पहले 2010 में लाया गया था, जिसके तहत नागरिकों का ब्यौरा जमा करना और लोगों की ताज़ा तस्वीर उंगली के निशान लेने होंगे। 2010 में इस प्रक्रिया में कुल 15 सवाल पूछे जाते थे, लेकिन इस बार नए 8 सवाल जोड़े जाए, जिस पर कई राज्य सरकारों और विपक्षी पार्टियों ने आपत्ति जताई थी। कब लगाया जाता है डी का निशान? विपक्षी पार्टियों की ओर से कई बार इस बात का जिक्र किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति सरकार द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा तो उसे शंका की नज़र से देखा जाएगा, इसके लिए डाउटफुल या डी जैसी टर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। गुरुवार को राज्यसभा में भी विपक्षी नेता गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल समेत अन्य नेताओं ने इससे जुड़े सवाल पूछे थे, जिसके बाद केंद्र सरकार की ओर से इस पर सफाई दी गई।